जी तैयार हैं हमारे बहुत ही खस्ता खस्ता से नमकीन नमक पारे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कराते खुशोखरम होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नमक पारे जो है वो तैयार करूँगी। तो इसके लिए एक कप मैंने लिया है मैदा, इसके अलावा आधी चाय की चम्मच ज़ीरा है, थोड़ी सी अजवाइन है, आधी चाय की चम्मच नमक है और थोड़ा एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा या खाने का सोडा है। तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल करूँगी, और घी के 3-4 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। और फिर मैं इसको मिलाकर मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि घी की मिकदार जो है वो इसमें ठीक है कि नहीं। ठीक है, अच्छी तरह मिलाएं आप इसको, घी को और मैदे को, और जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं इसमें वो देखिए, ये इस तरह करके हाथ से मोइल करें इसको, ये देखें इस तरीके से। और आप हाथों में ऐसे करके देखें, अगर तो ये बंद रहा है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा और डालें। मैं थोड़ा सा और शामिल करूंगी क्योंकि ये ठीक तरीके से नहीं बंद रहा था। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि किस तरह का होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि घी की क्वांटिटी जो है वो इसमें ठीक है। और घी हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि खस्ता हो जाएं हमारे नमक पारे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये अब ठीक से बन रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेते हैं। देखिए जी, इस तरह एक सख्त सी डो जो हमने इस तरह करके गूंद ली है, ये देखें, इस तरह दबा दबा कर एक सख्त सी डो जो है वो हमने तैयार कर ली है, ये देखें। अब हम रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। अच्छा जी, अब हमने इसका पेड़ा बना लिया है और अब हम इसको बेल लेते हैं पतला सा। देखिए व्यूअर्स, हमने इसको पतला सा जो है वो बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस भी डिज़ाइन में आप चाहें आप कटिंग कर लें। मैं इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट रही हूँ, ये देखें इस तरह, इस तरीके से। और अब हम इस साइड से भी हम इसकी इस तरह करके कटिंग कर लेते हैं, तो ये एक प्यारी सी शेप हमें मिल जाएगी, ये देखें। और कढ़ाई मैंने रखी हुई है गरम होने के लिए, और फ्लेम जो है वो मीडियम है, तो हम इसमें डालना शुरू करते हैं नमक पारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें खस्ता खस्ता से तैयार होंगे, धीमी आंच पर कीजिएगा। ये देखिए फूले किस तरह हैं, ये देख सकते हैं आप। शाम की चाय के साथ या मेहमान आ जाएं तब भी फटाफट बन जाएंगे, अच्छे लगते हैं खाने में। हमारे नमक पारे हो गए हैं फ्राई मुकम्मल, तो हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। घी को जो है वो निचोड़ लीजिएगा,